मैक्सवेल फेल, ग्रीन का ना बल्ला चला ना गेंद, सिराज भी आउट ऑफ फॉर्म, कैसे होगी आरसीबी की नैया पार। जोश बटलर का आया तूफान, राजस्थान पहुंचा पहले पायदान, आरसीबी में मचा कोहराम। विराट कोहली ने आईपीएल का सबसे धीमा शतक लगाया, खुद अपनी टीम आरसीबी को हराया। आईपीएल 17 के 19वें मैच में आरसीबी की करारी हार सामने आई है। हार के जिम्मेदार आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली रहे। उन्होंने आईपीएल का सबसे धीमा शतक लगाकर खुद अपनी टीम को हार के मुंह में ढकेल दिया। जवाब में उतरे राजस्थान के जोश बटलर ने धमाकेदार सेंचुरी लगाते हुए आखिरी ओवर में अपनी टीम को जीत दिला दी। विराट कोहली ने 67 गेंद पर शतक लगाया। इससे पहले साल 2019 में मनीष पांडे ने सबसे धीमा शतक 67 गेंद पर लगाया था। अब विराट कोहली ने इस रिकॉर्ड की कर लिया है। मैच में ना तो 17 करोड़ी कैमरून ग्रीन चले और ना ही ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला चल रहा है। जोश बटलर के नाबाद शतक और संजू सैमसन की तूफानी बैटिंग से राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। मुकाबले में आरसीबी की टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली की 113 रनों की नाबाद शतकीय पारी से 20 ओवर में 183 रन का स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में राजस्थान ने अपने होम ग्राउंड सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में 5 गेंद शेष रहते ही मुकाबले को अपने नाम कर लिया। आरसीबी के खिलाफ इस मैच में राजस्थान की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी। ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट गए थे। बिना कोई रन बनाए ही अपना पहला विकेट गंवाने के बाद राजस्थान की टीम मुश्किल में लग रही थी, लेकिन इसके बाद बटलर के साथ मिलकर संजू सैमसन ने तबाही मचा दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बैटिंग से आरसीबी के गेंदबाजों के नाक में दम कर दिया। बटलर और संजू ने मिलकर इसके बाद दूसरी विकेट 148 रनों की पार्टनरशिप की। आरसीबी के खिलाफ इस मुकाबले में संजू सैमसन ने सिर्फ 42 गेंदों में 69 रनों की धुआंधार पारी खेली। अपने इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 बेहतरीन छक्के भी लगाए। आरसीबी के खिलाफ इस मैच में राजस्थान की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी। ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट गए थे। आरसीबी के खिलाफ इस मुकाबले में संजू सैमसन ने सिर्फ 42 गेंद में 69 रनों की धुआंधार पारी खेली। अपने इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 बेहतरीन छक्के भी लगाए। जोश बटलर इंडियन प्रीमियर लीग में अपना 100वां मैच खेल रहे थे। बटलर केएल राहुल के बाद दूसरे खिलाड़ी बने जिन्होंने अपने 100वें आईपीएल मैच में शतक लगाया है। हालांकि आरसीबी के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐसा लग रहा था कि बटलर अपना शतक पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टीम को 20वें ओवर में सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। लेकिन 94 रन के स्कोर पर बैटिंग कर रहे बटलर ने मोहम्मद सिराज के खिलाफ पहली ही गेंद पर 6 लगा दिया, जिससे बटलर ने न सिर्फ अपना शतक पूरा किया बल्कि 5 गेंद शेष रहते ही राजस्थान को जीत दिला दी। राजस्थान के खिलाफ इस मुकाबले में विराट कोहली ने बेशक शतकीय पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम राजस्थान के सामने सिर्फ 184 रनों का लक्ष्य रखा। राजस्थान ने अपने घर में इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। विराट कोहली आरसीबी के लिए आखिरी तक नाबाद रहते हुए 113 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 156.94 का रहा। विराट कोहली ने इस पारी में 67 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो कि उनके आईपीएल करियर का सबसे धीमा शतक भी साबित हुआ। यही कारण है कि उनकी धीमी पारी आरसीबी पर भारी पड़ गई। वैसे आपको क्या लगता है, आरसीबी की हार का असली विलन कौन है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।